महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में रविवार को शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन की गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन की बैठक को संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि शिक्षक अभिभावक के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक संसाधन और अनेक समस्याओं के समाधान करने में सहयोग करें। साथ ही महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि एक ओर जहां राजकीय विद्यालयों में सरकार की ओर से अनुदान किया जाता है, वहीं सहायता प्राप्त विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत होती है। शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन की बैठक में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, अध्यापक डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता, अयोध्या प्रसाद एवं जनार्दन गौड़ सहित बड़ी संख्या में अभिभावक गण मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा, सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित सभी अभिभावकों और शिक्षकों का हृदय से अभिनंदन। हर वर्ष आयोजित होती है और इसमें शिक्षक अभिभावक जो एसोसिएशन है उसका गठन होता है और शिक्षक और अभिभावक के संयुक्त तत्वाधान में शैक्षिक गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक संसाधन और अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस अवसर पर आप सभी उपस्थित हैं, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप ये काम नहीं कर पाए। राजद सेवा निवृत्त हो रहे हैं उतने तेजी से जो है शिक्षक अभिभावक के रूप में उनसे शैक्षिक लाया गया विद्यालय का शैक्षिक हो रही है। आप उसकी उपस्थिति को देखकर कहेंगे सर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चों की संख्या 4 है और 4,000 बच्चों के द्वारा को आमंत्रित किया गया, तो उसकी तुलना में हमारी संख्या बहुत ही कम, लेकिन फिर भी मैं केवल आपको कहने के लिए नहीं खुशी गायब कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मेरा एक दूसरा कार्यकाल है, दूसरा शैक्षिक संस्था चल रहा है। पहली बैठक मौसम इससे अनुकूल था, कैंपस में पानी लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में अभिभावक परीक्षा में लेकर के एक बैठक की गई जिसमें शिक्षक अभिभावक संघ के गठन में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव, मंत्री का चुनाव, कोषाध्यक्ष का चुनाव और इनको साथ लेकर के अभिभावकों को साथ लेकर के विद्यालय के भौतिक संसाधनों के विकास, शैक्षिक गतिविधियों के विकास पर चर्चा की गई। अभिभावकों का उसमें राय लिया गया कि विद्यालय से उनसे क्या अपेक्षा है, उनके छात्रों की कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो अपना रख सकते हैं और हम सब मिल करके विद्यालय में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक ऐसा माहौल बनाएं जो सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से राष्ट्रप्रेम की भावना को लेकर के विभिन्न गतिविधियों को लेकर के एक आदर्श विद्यालय बन सके।